पिता द्वारा पुत्र की हत्या का खुलासा। ट्यूबवेल के ऊपर एक कमरे में पिता पुत्र दोनों एक साथ रहते थे। दोनों शराब की बेहद आदी थे। कहा जाता है कि 20 तारीख की रात को दोनों में कहासुनी हुई। कहासुनी को लेकर पिता ने पुत्र की हत्या कर दी और फरार हो गया। मुखबिर की निशानदेही पर आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जिला जालौन से रिपोर्टर राजकुमार की रिपोर्ट, एडीआई न्यूज, सच के साथ लगातार। देखिए, 21 जून की रात्रि में एक विवाद हुआ था। बंगरा के पास एक ट्यूबवेल पे एक पिता पुत्र हैं, वो दोनों रहते थे। तो पिता पुत्र दोनों बंजारे हैं और ये इनके परिवार में और कोई नहीं है। तो ये कुछ घरेलू सामान वगैरह, गुब्बारे और जो श्रृंगार का सामान होता है, दोनों बाप बेटे बेचते थे और दोनों शराब पीने के आदी थे। ये एक बंगरा में ट्यूबवेल है, उसके ऊपर एक कमरा लेकर के रहते थे। तो 21/6 की घटना है। दूसरे दिन जब बच्चे उस कमरे की तरफ खेलने गए तो उन्होंने देखा कि कमरे में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो इसकी सूचना पुलिस तक पहुंची और ट्यूबवेल मालिक ने एक FIR दर्ज कराई। तो जो तथ्य प्रकाश में आया वो ये था कि एक सेरू छोटू है, वो और उसका पिता ये शिशुपाल, ये दोनों वहाँ रहते थे। किसी बात को लेकर के दोनों के बीच विवाद हुआ। वैसे लड़ाई तो दोनों में अक्सर हुआ करती थी और उस लड़ाई के क्रम में रात्रि में पिता ने अपने पुत्र की हत्या कर दी और सुबह में उसको लोगों ने साइकिल लेकर के जाते हुए देखा और इसकी तफ्तीश हुई। ये फरार हो गया था और पुलिस को चकमा दे करके कहीं छिप के रह रहा था। आज उसकी गिरफ्तारी हुई है और इस तरीके से जो ये हत्या का केस था उसका खुलासा हो गया और मुलजिम ने अपनी बात, अपनी गलती कबूल भी कर ली है।